बच्चों का बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है। एक माँ अपने बच्चों की तरबियत की खातिर अपना आप भुला देती है, यहाँ तक कि बच्चों की पैदाइश के वक्त बहुत सी माएँ जान से चली जाती हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू पर रहनुमाई मिलती है। इस्लाम हमें अतदाल सिखाता है और इस पर अमल करने की भी तरकीब देता है। इस्लाम हमें बताता है कि 7 साल तक बच्चे को नमाज पढ़ने का भी मत कहो, उसे प्यार और शफकत से रखो। बच्चों को ममता और तवज्जो की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक माँ ही सेहतमंद नहीं होगी तो वो अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रख पाएगी। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है 186 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, जो कि 2017 से 32% इंक्रीज़ हुआ है, और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट 41 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ्स है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमें इस बढ़ते हुए रेट को रोकने के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए। हमें बच्चों की तरबियत और माओं की सेहत के लिए फैमिलीज़ को एजुकेट करना चाहिए। औरत की सेहत को तरजीह देनी चाहिए। हेल्थ रिसोर्स, टाइम, इन सब में बैलेंस क्रिएट करना आना चाहिए एक सेहतमंद और बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए। इफ़ आई कैन देन यू कैन एंड टुगेदर वी कैन। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई राय हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया।